अपना टॉपिक है ट्रोकेंटर रोल यूज फॉर। ट्रोकेंटर रोल का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन ए में टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू द स्ट्रेचर, ऑप्शन बी में फॉर द इंक्रीजेस द बियरिंग डाउन इफर्ट्स, ऑप्शन सी में टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप, एंड फोर्थ ऑल अबव। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको ट्रोकेंटर रोल के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, ट्रोकेंटर रोल क्या होता है, उसके बाद में आप इसके यूजेस को समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात, ट्रोकेंटर रोल कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल चीज तरीके समझने की कोशिश करेंगे। ट्रोकेंटर रोल इज नथिंग ओनली एक सिंपल टॉवल के समान स्ट्रक्चर है। ये अपन ने एक सिंपल एक टॉवल है, और जब इस टॉवल को आप रोल कर देंगे तो ये रोल होकर के कुछ जैसे रोटी को रोल किया जाता है, और इस प्रकार से ये आपको रोल कंडीशन मिलेगी। ये आपके सामने रोल कंडीशन है, इस प्रकार से इस कंडीशन को आपने बोला ट्रोकेंटर रोल। तो मेरे हिसाब से समझने की कोशिश करिए टॉपिक को, ट्रोकेंटर रोल क्या है। एक टॉवल नुमा स्ट्रक्चर है और जिसको रोल करने के बाद में वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हम फर्स्ट बात करते हैं कि ट्रोकेंटर रोल का यूज क्या है। तो ट्रोकेंटर रोल पहली बात करें अगर अपन ट्रोकेंटर रोल का यूज क्या है, तो ट्रोकेंटर रोल फर्स्ट आप टू शिफ्ट द पेशेंट from bed to stretcher, बेड से और स्ट्रेचर पे शिफ्ट करने के लिए ट्रोकेंटर रोल का यूज किया जाता है। किस प्रकार से समझिएगा, देखिए ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके सामने अपन ने ये बेड को रखा, ये आपके सामने बेड है, एंटायर बेड है, और इस बेड पे आपने ये ट्रोकेंटर रोल को इस प्रकार से बिछा दिया, खोल के बिछा दिया। अब इस बेड पे आपके सामने क्लाइंट लेटा, तो ये रहा क्लाइंट। अब आपके पास में बात करें हेल्थ को वर्कर की, तो एक हेल्थ को वर्कर एक साइड से, दूसरा हेल्थ को वर्कर सेम साइड से, तीसरा हेल्थ को वर्कर साइड से, चौथा हेल्थ को वर्कर इस साइड से ट्रोकेंटर रोल को पकड़ेगा और कुछ इस प्रकार से क्लाइंट को ट्रोकेंटर रोल के समेत स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर देगा। देखिए डायग्राम के हिसाब से जो आपके सामने क्लीन चीज दिख रही है, ये है गया ट्रोकेंटर रोल। और इस ट्रोकेंटर रोल पे आपके सामने चार हेल्थ को वर्कर, एक दो तीन और चार हेल्थ को वर्कर पकड़ के क्लाइंट को बेड से और स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहली बात कि ट्रोकेंटर रोल का क्या कार्य होता है, तो आप बोलेंगे टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू द स्ट्रेचर। सेकंड बात अगर अपन करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ट्रोकेंटर रोल लेबर के टाइम पे बहुत जरूरी होता है, अपना एक महत्व रखता है लेबर टाइम पे। कैसे, इस चीज को समझने के लिए लेबर को समझिए तीन स्टेज के अंदर। फर्स्ट स्टेज लेबर, सेकंड स्टेज लेबर एंड थर्ड स्टेज लेबर। मैं लेबर का टॉपिक नहीं ले रहा हूं, मैं ट्रोकेंटर रोल को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो आपको सबसे पहली बात समझनी है, हल्का सा इंट्रोडक्शन रख रहे हैं अपन लेबर का, नॉट डीप डिस्कशन। देखिए फर्स्ट स्टेज लेबर क्या होती है, फर्स्ट स्टेज लेबर के अंदर ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी और फुल सर्विक्स डायलेशन तक जाएगी।
सेकेंड स्टेज लेबर की बात करें, सेकेंड स्टेज लेबर कहां से जाएगी? फुल सर्विक्स डायलेशन से लेकर के, फुल सर्विक्स डायलेशन से लेकर के और फीटस फीटल एक्सपल्जियन तक जाएगी, बेबी के बर्थ तक जाएगा। और अगर थर्ड स्टेज लेबर की बात करें, बर्थ ऑफ बेबी से स्टार्ट होकर के एंटायर प्लेसेंटा एक्सपल्जियन तक जाएगा। तो हमने देखी कि सबसे पहली बात कि हम पढ़ रहे हैं ट्रोकेंटर रोल, और ट्रोकेंटर रोल का डिलीवरी या लेबर प्रोसेस में क्या रोल होता है उसको समझने के लिए आपको लेबर को थोड़ा समझाने की कोशिश की। अब आप देखेंगे ट्रोकेंटर रोल का यूज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में करेंगे। किसके अंदर करेंगे? हम सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर करेंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, यहां पे हम इसका यूज करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की कई सारी मैकेनिज्म होती हैं, डिसेंट मैकेनिज्म, एंगेजमेंट मैकेनिज्म, क्राउनिंग एंड एक्स वाई जेड, जितनी भी आपने लोगों ने पढ़ी है और अपन आगे भी पढ़ेंगे अपने चैनल पे। तो सेकेंड स्टेज लेबर के अंदर सबसे पहली मैकेनिज्म आती है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ गमन। एंड सेकेंड स्टेज, सेकेंड मैकेनिज्म होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का, वो होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट टाइम पर शर्त कौन सी रखी गई? सेकेंड स्टेज लेबर की सेकेंड मैकेनिज्म में एंगेजमेंट टाइम पर, एंगेजमेंट टाइम पर, अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो कि एंगेजमेंट क्या होता है, तो एंगेजमेंट होता है जब फीटस का वाइडेस्ट पार्ट पैल्विस के वाइडेस्ट पार्ट के कॉन्टेक्ट में आता है, बाइपैरिटल डायमीटर जब इनलेट में आएगा, तो इस कंडीशन को आप एंगेजमेंट बोलेंगे। एंगेजमेंट टाइम पर, एंगेजमेंट टाइम पर आपको वॉल्चर पोजीशन को मेंटेन करना है क्लाइंट को। वॉल्चर पोजीशन, ये वॉल्चर पोजीशन क्या होती है? वॉल्चर पोजीशन को समझने के लिए देखिए, क्लाइंट को बेड के किनारे पांव लटका करके और इस प्रकार से क्लाइंट को पांव लटका करके बेड के किनारे पे लेटा देना है, और ये पोजीशन क्या है? ये वॉल्चर पोजीशन है। ये रही वॉल्चर पोजीशन। देखिए आप डायग्राम में भी देखेंगे, ये वॉल्चर पोजीशन आपके सामने, वॉल्चर पोजीशन, वॉल्चर पोजीशन में जैसे मैंने बोला क्लाइंट्स के लेग कहां पर होंगे? डैंगलिंग टुवार्ड्स अ फ्लोर। लेग्स कहां पर होंगे? लेग्स आर डैंगलिंग टुवार्ड्स अ फ्लोर। और लेटा कहां पर होगा? एट द एजेस ऑफ बेड, बेड के किनारे पर लेटा होगा और पांव होंगे जमीन की तरफ, और इस कंडीशन में आपको वॉल्चर पोजीशन में आपको जो ट्रोकेंटर रोल है उसको आपको प्लेस करना है कहां पर? सैक्रम के नीचे की तरफ, सैक्रम के नीचे की तरफ आपको प्लेस करना है लेबर प्रोसेस में ट्रोकेंटर रोल को। इससे होगा क्या, ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे अपने आप, वॉल्चर पोजीशन में आपने क्या किया क्लाइंट को? वॉल्चर पोजीशन में ट्रोकेंटर रोल को, ट्रोकेंटर रोल को प्लेस
बिलो द सैक्रम, प्लेस बिलो द सैक्रम, सैक्रम के नीचे प्लेस किया ट्रोकेंटर रूल को, किस कंडीशन में? आप बोलेंगे वॉल्चर पोजीशन के टाइम पर, वॉल्चर पोजीशन के टाइम पर एंगेजमेंट मैकेनिज्म के अंदर, एंगेजमेंट मैकेनिज्म के अंदर वॉल्चर पोजीशन के टाइम पर ट्रोकेंटर रोल को सैक्रम के नीचे प्लेस कर दिया, जिसके कारण से बियरिंग डाउन इफर्ट्स इंक्रीज होंगे, बियरिंग डाउन इफर्ट्स इंक्रीज होंगे। और यही था आपका सेकंड ऑप्शन, के सेकंड ऑप्शन में आपके पास में था कि इंक्रीजेस द बियरिंग डाउन इफर्ट्स। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें थर्ड, टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप। तो हिप डिस्प्लेसमेंट के बाद में जब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर इस कंडीशन में ट्रोकेंटर रोल को फिक्स किया जाता है। ये देखिए आपके सामने ट्रोकेंटर रोल को फिक्स किया है ताकि हिप एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाए, और इस प्रकार से आप बोलेंगे टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप इन द हिप डिस्प्लेसमेंट क्लाइंट। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपसे पूछे ट्रोकेंटर रोल यूज फॉर, तो पहला ऑप्शन बोले टू शिफ्ट द पेशेंट फ्रॉम बेड टू द स्ट्रेचर, तो आपको क्लीन पता होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार से कि बेड पे से स्ट्रेचर पे क्लाइंट को शिफ्ट करते समय ट्रोकेंटर रोल का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें फॉर द इंक्रीजेस द बियरिंग डाउन इफर्ट्स, बियरिंग डाउन इफर्ट्स को बढ़ाने के लिए ट्रोकेंटर रोल का यूज किया जाता है, किस प्रकार से? आपको पता है वॉल्चर पोजीशन में एंगेजमेंट मैकेनिज्म, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एंगेजमेंट मैकेनिज्म के टाइम पर वॉल्चर पोजीशन में ट्रोकेंटर रोल को फिक्स करना है सैक्रम के नीचे, जिसके कारण से बियरिंग डाउन इफर्ट्स इंक्रीज हो जाए। मतलब सेकेंड ऑप्शन भी आपके सामने करेक्ट होगा। थर्ड होगा आपके सामने टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप, इसका मतलब आपके सामने एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको साइड से ट्रोकेंटर रोल को यूज करना है। इसका मतलब आपके सामने करेक्ट आंसर होगा ऑल अबव कंडीशन, ट्रोकेंटर रोल यूज फॉर ऑल अबव कंडीशंस।